क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 2.4 का, जो क्या है फैक्टराइज करना है। इसमें फैक्टराइज क्या है, ये क्यूबिक पॉलीनोमियल है, ठीक है, यानी कि जो क्वाड्रेटिक ना हो के और कोई हो उसमें कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बाय यूजिंग द ट्रायल मेथड, एक दो मेथड है, मैं आपको बता दूंगा एक दो मेथड है जिसको मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या ट्रायल मेथड है, ट्रायल मतलब क्या है, हमें क्या करना है, ट्रायल करके देखना है कि किसी किस वैल्यू पे इसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो हमें रखेंगे कैसे, कैसे पता चलेगा किस वैल्यू पे इसकी वैल्यू जीरो होगी, तो जो आपका 2 है ये, ठीक है, कॉन्स्टेंट टर्म जो है, इसका पहले क्या निकालेंगे, जितने भी क्या होंगे इसके, जितने भी आपके क्या कहते हैं, जितने भी फैक्टर्स होंगे, यानी कि ऑल फैक्टर्स ऑफ 2 को लेंगे, ठीक है। ऑल फैक्टर्स ऑफ 2 क्या होता है, 2 का फैक्टर क्या होता है, प्लस 1 हो सकता है, माइनस 1 हो सकता है, प्लस 2 हो सकता है, माइनस 2 हो सकता है, 2 × 2 होता है ना, 1 × 2, तो फैक्टर क्या है, 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, ये इसके फैक्टर हो गए, ठीक है। फैक्टर क्या होगा, 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2। अब क्या करेंगे, इसी वैल्यू को पुट करके, एक बार 1 पुट करके देखेंगे 0 होता है कि नहीं, माइनस 1 करके दे सकते हैं, 2 करके दे सकते हैं, माइनस 2 करके देख सकते हैं, जिस वैल्यू पे 0 हो जाएगा वो उसका एक फैक्टर होगा, पीछे बताया गया था, ठीक है। तो क्या कर लेंगे, पहले बाय ट्रायल मेथड, पहले तो निकाल लेंगे, लेट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 2, ठीक है, क्या करेंगे, हैव टू कंसीडर क्या क्या होंगे, दैट इज प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2, ठीक है, प्लस माइनस 1 हो सकते हैं, प्लस माइनस 2 हो सकते हैं। अब क्या करेंगे, बाय ट्रायल मेथड हम यूज करेंगे, बाय ट्रायल मेथड, ट्रायल का मतलब होता है ना ट्राई करके देखना किस पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वही ट्रायल मेथड है, बाय ट्रायल मेथड। ट्रायल मेथड क्या करते हैं, अगर पी एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स क्यूब 2x² माइनस एक्स प्लस 2 थी, ठीक है, तो पी अगर हम 2 रख के देख लें, पहले 2 रख के देख लेते हैं, या पी 1 ही रख के देख लेते हैं, पी 1 पे देख लेते हैं, 0 होता है कि नहीं होता है, 1, तो 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, तो 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर 2 बन जा 2 माइनस 1 प्लस 2, ये प्लस 1 प्लस 2 क्या हो गया, 3 माइनस 3, तो पी 1 की वैल्यू क्या आ गई इसकी, पी 1 की वैल्यू इसकी 0 आ गई, यानी कि 0 मिल गया हमें, तो पी की वैल्यू, पी 1 की वैल्यू क्या है, 0 हो गई। इट मीन्स क्या होता है, इट इम्प्लाइज दैट क्या, एक्स माइनस 1 रखे ना, तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, जिस पे 0 आ जाएगी वो क्या निकलेगा, जिस वैल्यू पे रखने पे 0 आ गया, यानी कि वो उसका एक फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। जब एक फैक्टर हो गया, क्या करेंगे हम, सीधे उसकी वैल्यू रख के डिवाइड, लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड कर लेंगे, दूसरा फैक्टर निकल जाएगा। अब यहाँ तक सबको समझ आया होगा, पी 1 की वैल्यू ये आ गई, अब जैसे कि ये फैक्टर हो गया, जब ये फैक्टर हो गया, ठीक है, किसका, इस पी एक्स का, तो हम जानते हैं क्या, अगर फैक्टर हो गया तो एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस एक्स, ये पूरी तरीके से क्या होगा, ये डिविजिबल होगा, एक्स माइनस 1 पूरी से डिवाइड कर देगा, फैक्टर होगा मतलब क्या होगा, यानी कि उसका एक पार्ट है वो, तो हम क्या करेंगे, इसको इसे डिवाइड करेंगे, कैसे, बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। अब डिवाइड कर लेते हैं, क्या है, x माइनस 1 डिवाइड करना है एक्स क्यूब 2x² माइनस एक्स प्लस 2, यही था, एक्स क्यूब 2x² माइनस एक्स प्लस 2। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ पे एक्स क्यूब, यहाँ पे एक्स है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर जिसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स का पावर 3, और एक्स स्क्वायर में माइनस 1 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 1x, तो माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, बताए थे नीचे वाला जो साइन होता है इसका अपोजिट साइन लगाते हैं, अपोजिट साइन लगाएंगे तो ये दोनों क्या है, माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस माइनस 2x² है प्लस x² है, तो दो में से घटेगा क्या होगा, x² बचेगा, चूंकि ये साइन छोटा है ये साइन बड़ा है, तो माइनस साइन लग जाएगा और माइनस एक्स उतर जाएगा। अब ये क्या है, x² हो गया। अब हमें क्या चाहिए, x² चाहिए, माइनस का साइन चाहिए, यहाँ पे एक एक्स है, यहाँ पे x² है, माइनस है तो माइनस लग जाएगा, चूंकि यहाँ पर प्लस था, एक एक्स चाहिए, एक्स डिवाइड कर लेंगे, इसे डिवाइड करेंगे तो x में x का गुणा होगा तो माइनस x², और x में 1 का गुणा होगा तो 1x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा, ये प्लस x हो गया। क्या करेंगे, साइन अपोजिट, एक माइनस एक प्लस कैंसिल आउट, एक माइनस दोनों माइनस हो गए, क्या हो जाएगा, माइनस 2x, क्या बच गया, प्लस 2। अब x मिल गया, न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए 2 चाहिए,
टू हो जाएगा, माइनस साइन है प्लस का साइन, तो माइनस एट, माइनस क्या हो जाएगा टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये माइनस टू, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस टू। अब जैसे साइन चेंज करेंगे प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल होकर रिमाइंडर जीरो हो जाएगा, यानी कि इसका फैक्टर था फैक्टराइज हो गया, तभी क्या मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू मिल गया। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। अब जैसे ही समझ में आ गया तो हम जानते क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं, यहाँ तो समझ में आ गया तो हम क्या जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं, जो डिविडेंट होता है क्या होता है, डिवाइजर इंटू कोशेंट, डिवाइजर इंटू सॉल्व टू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ये होता है, यानी कि ये जो डिविडेंट होगा ये किसके बराबर होगा, ये जो डिविडेंट होगा इसी के बराबर होगा ना, x माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, ये डिविडेंट, ये जो है आपका डिविडेंट इसी के बराबर होगा, डिविडेंट क्वेश्चन तो रिमाइंडर इसका जीरो था। ठीक है, अब क्या करेंगे, यानी कि हम इसको फैक्टराइज कर रहे हैं, यही चीज निकाल रहे हैं, तो जब फैक्टराइज करेंगे तो एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन हो गया, इसको तोड़ लेंगे, वही जो पीछे क्या बन गया आपका, ये आपका क्वाड्रेटिक बन गया, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे टू होगा, ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि वन आए एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा टू एक्स में से एक्स घटा लेंगे और माइनस टू हो जाएगा। ठीक है, प्लस जीरो था प्लस जीरो लिख लीजिए, एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर है, माइनस टू एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस टू। ठीक है, एक्स माइनस वन इसमें से कॉमन निकालेंगे इन दोनों के एक साथ, इन दोनों के एक साथ देंगे तो x कॉमन निकलेगा, ठीक है, x कॉमन निकलेगा क्या बचेगा x और माइनस टू, इसमें से क्या कॉमन है प्लस वन कॉमन है तो निकलेगा x माइनस टू, ये दोनों कॉमन हो गए, क्या हो जाएगा x माइनस वन, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा दोनों कॉमन है तो x माइनस टू और x प्लस वन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा x माइनस वन x माइनस टू x प्लस वन किसके फैक्टर हो गए, इसके फैक्टर हो गए। अब आते हैं फाइव का दूसरा क्वेश्चन है, ये है इसको फैक्टराइज करना है, तो सबसे पहले क्या बताया थे, ये आपको कॉन्स्टेंट टर्म है, ठीक है, इस फाइव का क्या करेंगे इतने फैक्टर से कंसीडर कर लेंगे, फाइव का फैक्टर क्या होगा, फाइव वन जब फाइव होता है तो क्या बनेगा प्लस माइनस वन और प्लस माइनस फाइव, इसके चार फैक्टर होंगे, प्लस में वन माइनस में वन प्लस में फाइव माइनस में फाइव, इसको कंसीडर करना है और फिर भाई क्या करना है, बाय ट्रायल मेथड हमें से क्या करनी है, जीरो क्या करना है फैक्टर फाइंड करना है। ट्रायल मेथड में क्या रखते हैं कि लेट पी की वैल्यू माइनस वन रख लें या वन रख लें या पी वन रख के देख लें, जिस पे रख के देखना है देखो, पहले माइनस वन रख के देख लेते हैं, चाहे पहले वन रख के देख लेते हैं, पी वन इसको क्या हो जाएगा वन पे क्यूब माइनस थ्री इंटू वन पे स्क्वायर माइनस नाइन इंटू वन माइनस फाइव, ठीक है, तो वन का क्यूब वन होता है, ये थ्री हो जाएगा माइनस नाइन हो जाएगा माइनस फाइव, देखो सब माइनस में आए तो क्या होगा, पी वन की वैल्यू क्या होगी, वो क्या आ जाएगी नौ दस दो तेरह पाँच अठारह माइनस अठारह, ये क्या हो गया पी वन की वैल्यू जीरो नहीं है, तो ये फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं, ये रफ में चेक करेंगे, पहले जिस पे जीरो आएगा उसको हम कर लेंगे, पी वन पे चेक करके देख लेते हैं, पी की वैल्यू माइनस वन पे देख लेते हैं, तो माइनस वन का क्यूब माइनस थ्री इंटू वन का स्क्वायर माइनस नाइन इंटू माइनस वन और ये माइनस फाइव है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये माइनस वन का क्यूब माइनस वन, ये माइनस वन का स्क्वायर था, वन का स्क्वायर क्या होता है माइनस वन का स्क्वायर वन होता है, थ्री वन जा माइनस थ्री माइनस माइनस प्लस नाइन और क्या हो जाएगा माइनस फाइव, माइनस फाइव माइनस थ्री माइनस वन क्या हो जाएगा माइनस नाइन प्लस नाइन, पी माइनस वन जो हो जाएगा आपका पी माइनस वन क्या हो गया जीरो हो गया, जब पी माइनस वन के लिए क्या हो गया जीरो हो गया, इट मीन्स इट इम्प्लाइज दैट x प्लस वन क्या हो जाएगा इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल पीएक्स, एक इसका फैक्टर हो जाएगा, ये x प्लस वन क्या हो गया इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर हो गया, जब ये इसका फैक्टर हो गया तब इससे इसको हम डिवाइड कर लेंगे, तो बाकी और तो फैक्टर निकल जाएंगे, हमें याद है क्यूबिक है तो कम से कम तीन फैक्टर होंगे, पावर थ्री है तो कम से कम कितने निकलेंगे तीन फैक्टर, ये एक फैक्टर निकल गया है, दो फैक्टर और होगा, अब याद रखिएगा ये फैक्टर हो गया, ठीक है, अब इसका हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्या कर लेंगे, इसको डिवाइड लिख लेंगे, सिंस एक्स प्लस वन इज वन फैक्टर ऑफ
पीएक्स, तो क्या करेंगे बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है क्या हो जाएगा एक्स, नीचे थोड़ा लिख लें, यहाँ लिख लेते हैं एक्स प्लस वन को हम प्लस वन आया था, डिवाइड करते हैं किसमें, एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव में, एक्स क्यूब है एक्स है टू टाइम्स आएगा, एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स में वन का हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर नहीं प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस है प्लस है क्या होगा साइन चेंज, प्लस माइनस कट जाएंगे दोनों माइनस है तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो माइनस में फोर एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस नाइन एक्स, ठीक है फिर क्या करेंगे माइनस चाहिए ये माइनस फोर है प्लस फोर है तो माइनस हो जाएगा, फोर चाहिए फोर लिख लेंगे, एक एक्स स्क्वायर चाहिए एक्स कर लेंगे, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर में इस करेंगे क्या हो जाएगा माइनस फोर एक्स स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस फोर एक्स, ठीक है क्या करेंगे साइन चेंज, प्लस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा ये दोनों क्या हो जाएगा प्लस माइनस कट जाएंगे, ये प्लस है ये माइनस ये प्लस है तो नौ में से पाँच घटेगा क्या होगा चार घटेगा तो पाँच एक्स, साइन किसका रहेगा माइनस का और माइनस फाइव तो माइनस फाइव लिख लेंगे, ठीक है यहाँ पे एक्स है यहाँ पे एक्स है पाँच चाहिए माइनस में चाहिए तो माइनस लिख लेंगे और फाइव से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसे फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइव एक्स होगा माइनस फाइव हो जाएगा करके क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ठीक है तो ये लॉन्ग डिविजन हमें क्या मिल गया ये किसका फैक्टर मिल गया, हम जानते हैं कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, डिविडेंड क्या है यही ना है एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव, ठीक है तो किसके बराबर होगा डिवाइजर डी आई वी आई एस, डिवाइजर क्या है एक्स प्लस वन और डिविडेंड क्या है अभी निकला है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव और रिमाइंडर जीरो है, ठीक है इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर लेते हैं अभी क्या बन गया क्वाड्रेटिक, फिर वही फॉर्मूला पांच में इसका मल्टीप्लाई करेंगे फाइव हो जाएगा, ठीक है फाइव को से तोड़ेंगे फोर आएगा एक्स स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई करेंगे फाइव हो जाएगा, ठीक है तो वन इंटू फाइव फाइव में से वन घटा लेंगे माइनस है तो पांच में से क्या करेंगे पांच एक्स में से एक एक्स घटा लेंगे तो चार एक्स हो जाएगा इसका फैक्टर पांच है माइनस फाइव तो माइनस फाइव लिख लिए और प्लस जीरो इसको छोड़ सकते हैं एक्स प्लस वन हो गया, ठीक है अब तोड़ेंगे इसको एक्स स्क्वायर माइनस में करेंगे तो माइनस फाइव एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस फाइव ये स्मॉल ब्रैकेट में अब एक्स प्लस वन था ही इसमें से क्या करेंगे दो के एक साथ दो के साथ कॉमन ले लेंगे जैसे कॉमन लेंगे क्या निकलेगा इसमें से इसमें से एक एक्स निकल जाएगा एक एक्स निकलेगा क्या बचेगा एक्स माइनस फाइव इसमें जब कॉमन लिए हैं तो क्या होगा इसमें कॉमन वन कॉमन क्या बचेगा एक्स माइनस फाइव ये दोनों सेम है ये दोनों सेम है ये जैसे एक्स प्लस वन वैसे ही रहेगा और क्या बन गया एक्स माइनस फाइव कॉमन निकला है फिर क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन फिर क्या हो गया एक्स प्लस वन एक्स माइनस फाइव इसका आंसर हो गया, ठीक है या इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और एक्स माइनस फाइव क्यों क्योंकि ये दो बार है, ठीक है दोनों आंसर इसका सही है तो ये आपका क्या हो गया ये आपका इसका फैक्टर हो गया। आइए हम इसका तीसरा देखते हैं एक्स क्यूब थर्टी एक्स प्लस थर्टी टू एक्स प्लस ट्वेंटी, ठीक है तो ट्वेंटी का पहले क्या निकालेंगे फैक्टर्स निकालेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हो जाएंगे इसके ये प्लस वन से कटता है प्लस टू से कटता है प्लस माइनस फोर भी हो सकता है प्लस माइनस फाइव हो सकता है, ठीक है उसके बाद सिक्स सेवन होगा नहीं प्लस माइनस टेन होगा और फिर क्या होगा प्लस माइनस ट्वेंटी होगा, अब क्या करेंगे बाई ट्रायल मेथड का यूज करेंगे क्या करते हैं मानते हैं कि थ्री एक्स की वैल्यू क्या है एक्स क्यू प्लस थर्टीन एक्स प्लस थर्टी टू एक्स प्लस ट्वेंटी था p की वैल्यू माइनस वन रख के देख लेते हैं पहले माइनस वन का क्यूब प्लस थर्टीन स्क्वायर ये थर्टीन इंटू माइनस वन का स्क्वायर प्लस थर्टी टू इंटू माइनस वन प्लस ट्वेंटी, ठीक है माइनस वन का क्यूब माइनस वन होता है वन का स्क्वायर वन होगा प्लस में ये थर्टीन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा माइनस थर्टी टू प्लस ट्वेंटी ये प्लस है ये प्लस क्या हो जाएगा थर्टी थ्री और थर्टी वन टू थर्टी थ्री p माइनस वन तो p माइनस वन अब क्या आ गया जीरो आ गया जब p माइनस वन इक्वल टू जीरो आ गया तो इट इम्प्लाइज दैट x प्लस वन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा इज द इज ए फैक्टर ऑफ px यानी कि माइनस वाला आया तो इसका प्लस वाला फैक्टर हो जाएगा, अब ये फैक्टर हो गया तो क्या करेंगे ये इसको इससे डिवाइड कर लेंगे
तो ये एक्सप्रेशन क्या आ गया, इसका फैक्टर आ गया, जब फैक्टर आ गया तो लॉन्ग डिवीजन से क्या कर लेंगे इसको हम, अब डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर लेते हैं, एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर है तो 13 सॉरी 1 है तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कर लेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा, 13 में से 1 घटेगा क्या हो जाएगा 12 एक्स स्क्वायर प्लस 32x, 12 है एक्स स्क्वायर है, 12 चाहिए हमें तो यार कुछ नहीं, यानी कि 12 हो जाएगा और एक एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर, 12 बन जा 12x, ठीक है माइनस कर लेंगे, माइनस करेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 में 32 में से 12 घटा लेंगे तो कितना बचेगा 20x, और ये प्लस 20 था प्लस 20 लिख लिया, x मिल गया नंबर से 20 प्लस है तो प्लस 20 लिख लेंगे, क्या हो जाएगा 20x प्लस 20 रिमाइंडर क्या आ गया 0, ये क्या हो गया इसका दूसरा फैक्टर हो गया। अब हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं, वी नो दैट कि जो डिविडेंड होता है क्या होता है, डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर के बराबर होता है, इसे पुट कर देंगे डिविडेंड क्या था, ये एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 था, किसके बराबर होगा डिवाइजर x प्लस 1 के बराबर, और क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है 0, ये क्या है क्वेश्चन, ये क्या है डिवाइजर, अब पुट कर देते हैं x प्लस 1 इसको वैसे ही लिख लेंगे, अब क्या बना है एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, इसको तोड़ने के लिए बताएं 20 में इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 होगा, इसको तोड़ लेंगे 210 जा 25 जा 51 जा, हमें 12 लाना है तो 5 2 जा 10 10 और 220 होता है 10 टू 12 होता है, एक्स स्क्वायर ठीक है एक्स प्लस 1 हो गया एक साथ एक्स कॉमन लेंगे क्या बचेगा एक्स प्लस 10, इसमें से क्या कॉमन है 2 कॉमन निकालने क्या बचेगा एक्स प्लस 10, ठीक है अब क्या हो गया ये एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 10 एक्स प्लस 10 कॉमन है तो एक्स प्लस 10 और ये एक्स प्लस 2, ये क्या हो गया ये इसका फैक्टर हो गया। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज का कॉन्टेंट आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने बताया, और इस पे बेसिस क्वेश्चन आप अच्छे से कहीं कोई भी क्वेश्चन लगा लेंगे। तो आज आपका 2.4 पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, इसका एक क्वेश्चन बचा हुआ है 5 का, आप उसको खुद लगाइएगा, मैं आशा करता हूँ और उम्मीद है मुझे पूरी कि आप उसको अच्छे से लगा लेंगे बिना कहीं फंसे। ओके, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल आरजे स्टडी, शेयर लाइक एंड कमेंट, जय हिंद।